टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है जो भी चीजें हम बोलते हैं ना, जो भी चीजें हम बोलते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, वो सभी क्या है? स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स कि जो भी हमने बोला उसको बोलते हुए हमने कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द बोले। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, दो बातें बोली मैंने। आई एम अ टीचर ये स्पीच है, और जिन वर्ड से मिलकर के बनी है आई एम ए टीचर, ये इसके क्या है? पार्ट्स। समझ में आया? जो भी हमने बोला, वॉट एवर वी स्पीक, इट हैज सम वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखेंगे डेफिनेशन। वॉट एवर वी राइट और स्पीक, इट हैज some words and these are known as parts of speech. Clear? For example, I am taking the same example. I am a teacher. This sentence contains four different words. I am a teacher. It means अगर आप पूछूं कि मुझे बताओ इस sentence में कुल कितने parts of speech हैं या कितने parts हैं इसके, तो आप बोलेंगे सर चार part हैं इसके। एक ये है I जो कि pronoun है, एक है am जो कि verb है, एक है a जो कि article है, और एक है teacher जो कि noun है। मतलब चार अलग अलग चीजों से मिलकर के हमने एक सेंटेंस बनाया। उस सेंटेंस को जो हमने ब्रेक डाउन किया, उसके जो अलग अलग टुकड़े हमने कर दिए, उनको क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इम्पोर्टेंट ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक टॉपिक होते हैं, जितने भी बेसिक हैं, वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं ना अधिकतर, वो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। नाउन पूछ लिया, प्रोनाउन पूछ लिया, वर्ब पूछ ली, कंजंक्शन पूछ लिया, प्रेपोजिशंस पूछ ली, ठीक है, ये सभी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोट इट। अगला पॉइंट आता है कि कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ लोग कहते हैं आठ है, कुछ कहते हैं नौ है, सबका अलग अलग मत है। लेकिन सवाल ये है कि हमने जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, इस चीज को समझते हैं, तो पता लगता है कि जितनी चीजों से मिलकर के हम अपनी बातों को कहते हैं, बोलते हैं, वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। तो पहले नंबर पर आता है इसमें नाउन। क्या आता है? नाउन। दूसरे नंबर पर इसमें आता है प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर इसमें आता है एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर पे आता है वर्ब। फिफ्थ नंबर पे आता है एडवर्ब। सिक्स्थ नंबर पे इसमें आता है प्रेपोजिशन। सेवंथ नंबर पे आता है कंजंक्शन। एट्थ नंबर पे आता है इंटरजेक्शन। और एक नाइन्थ जिसको कि लोग डिनाई करते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये नहीं होते हैं, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है। हमने भी लिख करके देखा, जब एग्जांपल आई एम ए टीचर में ए जो है था, दैट इज आर्टिकल, तो आर्टिकल्स भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। गॉट इट? तो नाम है, देयर आर नाइन पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। फर्स्ट वन इज नाउन, द सेकंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। कंफर्म है? दीज आर द टॉपिक्स that you face in most of the competitive exams. कभी articles पूछे गए, तो कभी prepositions पूछी गई, कभी आपसे adverb पूछी गई, ये तमाम चीजें ना हर बार हर exam में पूछ जाती है। मतलब एक syllabus होता है कि सबसे पहला topic जो किसी भी exam का होगा
उसमें लिखा रहेगा भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का मतलब कुछ और नहीं पढ़ना, इन्हीं सब चीजों को पढ़ने को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना कहा जाता है। और ये बेसिक है जो एक ठीक ठाक से पढ़े हुए इंसान को पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इनकी बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में तो फिर ये हर टॉपिक की अलग अलग एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये होता क्या है इन जनरल, किसको कहते हैं, ताकि कोई पूछ ले आपसे कि क्या होता है, बताओ नाउन क्या होता है। तो आज भी इतने सारे बच्चे हैं जो 8th 9th 10th तक चले गए, अचानक से पूछ ले उनसे नाउन क्या होता है, तो बहुत बार तो मैं खुद ही कंफ्यूज कि नाउन वो क्या होता है। ठीक है, तो वो नौबत भी नहीं आनी चाहिए। तो लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्रिएचर फीलिंग्स इमोशंस ईटीसी। ठीक है, ये है नाउन की डेफिनेशन कि नाउन एक इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी प्राणी सजीव प्राणी का नाम हो सकता है, या हमारे अंदर के जो विचार हैं वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोहन एक इंसान का नाम है, प्लेस के नाम में जैसे जहां हम बैठ के पढ़ रहे हैं खटकर, चीज के नाम में जैसे मैं लिख रहा हूं उससे मार्कर एक चीज है, क्रिएचर कोई भी प्राणी। ठीक है, जैसे काउ, फीलिंग में कोई भी जो है वो इमोशन जैसे हैप्पीनेस, तो ये सभी क्या है नाउन है। क्या है सभी नाउन है, इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, किसी क्रिएचर का नाम और किसी इमोशन या फीलिंग का नाम, ये नाउन है। अगर शॉर्टकट में कहूँ अपने आसपास तो लोग जितनी चीजों को देखोगे ना, जो भी कुछ दिख रहा है आसपास वो सब कुछ नाउन है। हर एक चीज जिसका दुनिया में नाम है, जिसका एक नाम है, जिसको आप एक नाम से जानते हो, हर उस चीज को नाउन कहते हैं। ठीक है, शायद एक बार इनको गेट बंद कर दिया, बोल के बच्चों को लिस्ट में। चलो सेकंड है प्रोनाउन, द सेकंड इज प्रोनाउन। सो प्रोनाउन द सेकंड वन इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। To avoid repetition. For example, Mohan is my friend. Mohan lives in Delhi. So, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, Mohan is my friend. He lives in Delhi. तो अभी यहां मैंने मोहन लिखा, एक बार यहां देखो बाद में लिखा। ठीक है, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन लिव्स इन दिल्ली, मैंने मोहन मेरा दोस्त है, मोहन दिल्ली में रहता है। अगली जो तरीका लिखने का वो ये है कि मोहन मेरा दोस्त है, वह दिल्ली में रहता है। तो ये जो ही मैंने लिखा है ये किसकी जगह पे लिखा है, मोहन की जगह पे। एक्चुअली यहाँ पे कौन होना चाहिए था, मोहन, उसकी प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया। तो ये नाउन था, नाउन के प्लेस पे एक ऐसा वर्ड आए जो उस नाउन को ही डिफाइन करे, उसी के बारे में बात करे, उसकी जगह ले ले। ठीक है, जगह उसकी ले ले, ताकि एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, मतलब हर बार मोहन ना लिखना पड़े। अब जितनी बार इस सेंटेंस में मोहन का जिक्र करेंगे तो बार बार मोहन लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह पे ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ही। तो ही बेसिकली क्या है, एक प्रोनाउन है। थर्ड कहता है एडजेक्टिव, लिख लो आप, कहते एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच आर
यूज्ड टू टेल साइज शेप कलर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्यूटिफुल वॉच. आई हैव अ ब्यूटिफुल वॉच. क्या कहते हैं? कहते हैं साहब एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं क्या बताने के लिए, रंग रूप. क्या बताने के लिए? रंग रूप या फिर क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, माने वो चीज कितनी है, किस तरह की है, किस साइज की है, किस शेप की है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विशेषण. जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, माने उसकी क्वालिटी बताती है. क्वालिटी में सब कुछ चीज आती है. अगर हम कहते हैं मेरे पास एक सर्कल शेप की चीज है, तो सर्कल शेप उसकी क्वालिटी है. ठीक है, तो ये सब चीजें बताने के लिए जिन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कि ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव. धन है. फोर्थ क्या था? देखना ही उसमें देखिए फोर्थ नंबर क्या रखते हैं. वो फोर्थ इज वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है जिससे क्या पता लगता है कि कोई काम हुआ है, माने हैपनिंग ऑफ समथिंग. हैपनिंग ऑफ समथिंग जिससे पता चले कि भाई कोई काम हुआ उसको कहते हैं वर्ब. ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं. तो काम किस चीज का हो रहा है? लिखने का. तो ये हमारी क्या है? वर्ब है. गॉट इट? वर्ब से निकलता है अगला फिफ्थ पॉइंट है एडवर्ब. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. लिखेंगे एडवर्ब इज यूज्ड टू टेल अबाउट वर्ब, मेनली वर्ब, या फिर एडजेक्टिव, या फिर समटाइम्स अनदर एडवर्ब. Sometimes another adverb. तो adverb एक ऐसा word है जो basically हमें verb के बारे में बताता है. जैसे ये तो हमने बोला ना कि मैं लिख रहा हूँ, ये तो verb है. अगर मैं इसके साथ ये बताने की कोशिश करूँ मैं कहाँ लिख रहा हूँ, कितना मैंने लिख दिया, मैं कब लिख रहा हूँ, ठीक है, कितनी quantity में, कितनी मात्रा में, किस frequency में मैंने लिखा, मैं कब कब लिखता हूँ, मैंने उसके बारे में, उसका समय, उसकी जगह, उसकी frequency, ठीक है, और ये सब चीजें जो बातें बताती है ना उनको एडवर्ब कहा जाता है. जैसे अगर मैं कहूं ही रन्स फास्ट, तो वह दौड़ता है, ये तो वर्ब है, ये प्रोनाउन है, लेकिन दौड़ने की जो क्वालिटी पीछे ऐड कर रखी है इसको कहते हैं एडवर्ब. क्या कहते हैं? एडवर्ब. ठीक है, सिक्स्थ नंबर पर चलते हैं. व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट? प्रपोजिशंस. प्रेपोजिशंस सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बच्चे को, ये प्रेपोजिशन. सर हम पढ़ लिया 10 साल, स्टिल वी डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन. 10 साल पढ़ने के बाद भी कह रहे हैं हमें ये तक नहीं पता कि इसकी डेफिनेशन किसको कहते हैं. ये पता है इन, ऑन, एट, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं, लेकिन होते क्या है, इसका, इसकी जो परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं. तो लिखेंगे prepositions are the words
विच आर यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अर्थात सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन कहीं भी है, उसका उस पर्टिकुलर नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है दूसरे जो वर्ड्स बच गए उस सेंटेंस के अंदर। इनके बिना कई बार कोई चीज सेंटेंस के अंदर फिट नहीं बैठेगी, मींस के सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं कहूं, एग्जांपल लिखेंगे, वी आर सिटिंग इन द रूम, इसका मतलब बनेगा वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं। कन्फर्म होगी बात। इफ आई ट्राई टू रिमूव इन, कुछ देर के लिए मान के चलो इन नहीं है, इन प्रेपोजिशन है। इन यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन जो कि रूम को बाकी पूरे सेंटेंस से जोड़ रही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते इन यहां पर है ही नहीं, ठीक है। तो वी आर सिटिंग द रूम माने हम रूम में बैठे हुए हैं, ये तो मतलब पहले था, अब ये इन नहीं है तो मे हटा दो, हम रूम बैठे हुए हैं। सेंटेंस क्या बन गया? हम रूम बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है। अगर मैं इनको हटा देता हूं तो बनेगा बच्चे प्लेग्राउंड खेल रहे हैं, मैं हटा दो, बच्चे प्लेग्राउंड खेल रहे हैं, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ ना, ये तो कोई भी सेंटेंस नहीं हुआ कि बच्चे प्लेग्राउंड खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं, तो पर हटा दो, बच्चे छत खेल रहे हैं। माने वो जो एक वर्ड था प्लेग्राउंड यहां पर रूम, इसको बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ा इसने इन ने। अगर इन ना होता तो इसका मीनिंग इन के साथ सूट नहीं करता, मैं समय ये ना समझ में आता कि ये यहां पर किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। तो किसी एक नाउन प्रोनाउन को बाकी के वर्ड्स के साथ कनेक्ट करता है प्रेपोजिशन, उनका रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है, और उन्हीं रिलेशन बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेपोजिशन। नोट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ वर्ड इज कंजंक्शन। कुछ लोग इसको कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, बट द एक्चुअल वर्ड इज कंजंक्शन। कंजंक्शन कनेक्टर्स भी कहते हैं इसको, इससे बना होता है कनेक्टर, जोड़ता है। लिखेंगे कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स comma phrases and sentences, अर्थात दो चीजों को जोड़ने के लिए इंग्लिश में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम में जिस चीज से दोनों जुड़े हैं एंड वर्ड वही कंजंक्शन है। क्या है वो? कंजंक्शन है। कन्फर्म होगी बात? दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल आ सकता है, दो सेंटेंस को एक बनाना हो, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू आर लिसनिंग, ये दो सेंटेंस, और मुझे अगर एक में जोड़ना है और मैं कहना चाह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं और तुम सुन रहे हो, तो मैं बीच में एंड लगा दूंगा और दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दूंगा एक में ही, तो आई एम टीचिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो एंड से हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए चाहे वो सेंटेंस है, चाहे वो वर्ड्स है, चाहे वो फ्रेजेस है, उनको जोड़ने के लिए बीच में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को ही कंजंक्शन कहा जाता है। एट्थ वर्ड है, टाइप है इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो सडन रिएक्शंस, अचानक से मन में उठे हुए भाव, एकदम से मेरे को चीज दिख गई अचानक से। जैसे हमने सेंटेंस के चैप्टर में एक्सक्लेमेटरी जो पढ़ा था ना, वाह क्या चीज है, अरे बाप रे ये क्या हुआ। तो जो एक्सप्रेशन है ना, इन एक्सप्रेशंस को देने के लिए इंग्लिश के अंदर कुछ स्पेशल वर्ड्स बने हुए हैं कि भाई खुशी में आप ये वाली बात बोल दो समझ जाएगा सामने वाला, दुख का भाव है हंसी में ये बोल दो, किसी का मजाक उड़ाने के लिए ये बोल दो, जैसे कि अलास दुख का भाव है, हुर्रे ये खुशी का भाव है, ब्रेवो ये किसी को शाबाशी देने का भाव है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, इंटरजेक्शन दुख के लिए, ठीक है, हुर्रे हैप्पीनेस के लिए है, ब्रेवो किसी को शाबाशी देने के साथ कोई जीत करके आया शाबाश बहुत अच्छा किया, तो इंग्लिश में उसको ब्रेवो कहा जाता है, जो शाबाशी देने के साथ उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं, पू पू होता है, टुस टुस होता है, हाय होता है, वाव होता है, तमाम चीजें हैं जो एक्सप्रेशन बताने के लिए काम आती है। नाइन्थ नंबर पे आता है आर्टिकल्स, क्या आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक चीज को बताने के लिए काम आते हैं आर्टिकल, बेसिकली टू शो वन, एक चीज बताने के लिए काम आता है। तो आर्टिकल दो टाइप के हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट किसी खास चीज, मैं इंग्लिश में बोले तो पर्टिकुलर, कोई एक चीज है लेकिन वो बहुत खास है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जो कि कौन सा होता है द, कौन सा होता है द। इनडेफिनेट होता है कॉमन सिंगुलर चीज के लिए, जो एक है हर जगह आपको मिल जाती है, उसकी चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ लगते हैं इनडेफिनेट जो कि होते हैं ए और। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 1 to 9 हम लोगों ने करे, डेफिनेशन को समझा, एग्जाम्पल को समझा होता क्या है, ताकि जनरल आइडिया हमें हो सके, ठीक है, कि कोई पूछे हमसे इन जनरल की होता क्या है, बच्चन बता दे आपसे, कोई पूछे कितनी क्लास पढ़े हो, 12th क्लास पढ़े जी, अभी हम आगे कोर्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जरा बताना एडवर्ब क्या होता है, तो इंसान को अगर ये पता होगा तो एटलीस्ट वो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन सी ना होगी कि अपने ऊपर चल रहेगा इंसान, मुझे ये भी नहीं पता, तो वो कंडीशन ना आए उसके लिए बड़ा जरूरी है एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है। डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इसको डे बाई डे, लेकिन ये था मेन कॉन्सेप्ट कि होते क्या है, क्यों इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। स्पीच माने हम सब ने जो बोला जो लिखा, पार्ट्स अर्थात वो उन सब से मिलकर बना, तो उसके हिस्से हैं वो सब इन्हीं चीजों से। अगर आप कोई भी लाइन लिखोगे ना एक्स वाई जेड कोई भी, उस लाइन में आप हर एक वर्ड को अगर आप अलग अलग करोगे तो वो इन्हीं नौ में से गुजर होगा। कोई भी लाइन हम सोच सकते हैं, जैसे माय फ्रेंड इज डांसिंग, कोई भी लाइन अगर मैं सोच लू तो माय है, एडवर्ब होता है, फ्रेंड है, नाउन है, इज है, और डांसिंग का वर्ब है। मतलब कोई भी सेंटेंस लिखो उसको टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़ा इन नो में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा। समझ में आया होगा टॉपिक, है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।